तो अभी आपने पहली वीडियो देखी, तो हम सेकंड वीडियो पर कंटिन्यू करते हैं। ब्रैकेट, तो पहला जो टर्म है आज की है ब्रैकेट। द स्मॉल सपोर्टिंग पीस ऑफ अ स्टोन और अदर मटेरियल ऑफन फॉर्म ऑफ स्क्रोल ऑफ वॉल टू कैरी ए प्रोजेक्टेड वेट। मतलब ये वाला आप ऐसा समझ लो, ये होता है ब्रैकेट। यहाँ पर आपको देखने लग रहा है दस को ब्रैकेट। फिर बोलते हैं बटरस, ये आप जानते हैं इसको गोथिक आर्किटेक्चर में हमने पढ़ा था, फ्लाइंग बटरस बोला जाता है। तो बटरस का क्या काम होता है, जो भी लोड है इस पूरी वॉल का, तो उसका लोड यहाँ पर जो ये पूरी लोड का वॉल है यहाँ पर इसके थ्रू दूसरी वॉल पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो ये चीज होती है बटरस। मास ऑफ द मशीनरी और द ब्रिक वर्क प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ बिल्ड अगेंस्ट अ वॉल टू गिव एडिशनल स्ट्रेंथ। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कैंटिलीवर। कैंटिलीवर क्या होता है, अ कैंटिलीवर इज अ बीम। तो ये पहले नंबर आता है, बीम होती है, कॉलम नहीं होता है। बीम एंकर्ड एट ओनली वन पॉइंट, मतलब क्या है उसमें कि आपने क्या करा, ये बीम एक स्लैब डाला हुआ है और ये एक तरफ से एंकर्ड है, मतलब यहाँ से जुड़ा हुआ है, ये पूरा का पूरा फ्री है, तो उसको बोला जाता है कैंटिलीवर। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर ही बाहर की तरफ पड़ा हुआ है, सिर्फ एक तरफ से जॉइंट है, तो ये भी कैंटिलीवर का एग्जाम्पल है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द कैंटिलीवर। चेतिया के बारे में हम कई बार पढ़ चुके हैं इन बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर। मैंने मोस्ट प्रॉब्ली मैं वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर भी, टेम्पल मॉस्क और इस्तोपास के ऊपर। सो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन जितना मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी है उतना हम डिस्कस कर लेंगे, बाकी एग्जाम के बाद डिस्कस करेंगे। अ बुद्धिस्ट और ए जैन श्राइन कंटेनिंग अ हॉल। तो चेतिया के मतलब इनको बोला जाता था प्रेयर हॉल, जहाँ पर जो मॉन्क्स होते थे वो प्रे करते थे। और जो विहारास है, विहारास का मतलब होता है जहाँ पर वो रहते थे, अकाउंटेड। ठीक है, फिर आता है छज्जा। छज्जा क्या होता है, जैसे ये पूरी ये विंडो है, तो आपने एक छोटा सा पार्ट कैंटिलीवर टाइप का बना दिया प्रोजेक्टिंग बाहर की तरफ, यहाँ पर लाइक दिस, इसको बोला है छज्जा। किस लिए होता है कि आपको सन और रेन से बचाए, बारिश हो रही है डायरेक्टली ना आए, सनलाइट आ रही है तो डायरेक्टली आपको ना। फिर छतरी होती है एन अम्ब्रेला शेप्ड कॉपुला, मतलब ये इसको बोलते हैं छतरी इस तरीके से। फिर आता है क्लियर स्टोरी या क्लियर स्टोरी, नाम थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन का फर्क है, बाकी सेम है। द अपर पार्ट ऑफ द मेन वॉल ऑफ अ चर्च अबव द आइल्स रूफ क्लियर्ड बाय विंडोज, मतलब सिंपल लैंग्वेज में जी वाला पार्ट है, इसको बोला जाता है क्लियर स्टोरी। आप इसमें देखो 3D व्यू में, तो ये वॉल है और वॉल के बाद यहाँ पर ये ऊपर वाला पार्ट है, ये तो ये वाला पार्ट है, ये है, इसको बोला जाता है क्लियर स्टोरी। ठीक है, द अपर पार्ट ऑफ द मेन वॉल, तो ये मेन वॉल है उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ऑफ चर्च ऑफ द आइल्स रूफ पियर्स बाय विंडोज। ठीक है, सो द नेक्स्ट इज कॉफर। कॉफर क्या होता है, अ कॉफर इज अ संकन पैनल इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर रेक्टेंगुलर और ऑक्टोगोनल इन अ सीलिंग सॉफिट और वॉल्ट। मतलब ये आपने देखा ना कुछ इस तरह का, ये क्या है, छोटा सा गहरा होता हो जा रहा है, ये स्क्वायर में है, ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या फिर ऑक्टागोनल भी हो सकता है सीलिंग में। ठीक है, उसको बोला जाता है कॉफर। और ये कहाँ की मेजर बता सकते हैं, ये तो लिखा हुआ है पैंथेनॉन। अच्छा मुझे ये बताइए, जो ये वाला पार्ट है इसको डेवल्स आई बोला जाता है, इसका नाम क्या है, क्या बोलते हैं इसको आर्टिकल लैंग्वेज में, बताओ कमेंट सेक्शन में अगर आपको ये जानकारी है तो। फिर होता है कॉलोनेट, ये भी पूछा गया था अभी रिसेंटली नाटक एग्जाम में। कॉलोनेट मतलब ऑप्शन में था ये, अ रो ऑफ कॉलम कैरिंग एन एंटेब्लेचर और आर्चेस, मतलब एक कॉलम की लाइन है, एक रो है जो या तो एंटेब्लेचर को या फिर आर्च को, ठीक है ना, इसको कैरी करते हैं, उसको बोला जाता है कॉलोनेट। ठीक है, कॉलेज क्या होता है, कॉलेज आप बनाते भी होंगे कि कई सारी फोटोज मर्ज कर दी एक साथ। डिजाइन कंपोजिशन ऑफ द फोटोग्राफ एंड पेपर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, तो पेपर क्या होगा उसका टेक्सचर डिफरेंट होगा, फॉर्म भी उसका अलग हो सकता है, मटेरियल ऑन ए हार्ड सरफेस। तो यहाँ पर आप देखें कई सारी चीज बनाकर कॉलेज बना दिया गया है। फिर आता है कॉर्निस, तो हमने कॉर्निस डिस्कस भी किया था हिस्ट्री क्लास में, वो फ्रीली अवेलेबल है यूट्यूब पर, आप जाकर चेक करें तो काफी कुछ मिलेगा आपको पढ़ने के लिए। कॉर्निस मोल्डेड इज जनरली एनी हॉरिजॉन्टल डेकोरेटिव, तो ये क्या है हॉरिजॉन्टल डेकोरेटिव, मोल्डेड दैट क्राउन एनी बिल्डिंग और फर्नीचर एलिमेंट्स, द कॉर्निस ओवर अ डोर और विंडो फॉर इंस्टेंस और द कॉर्निस अराउंड द एज ऑफ अ पेडेस्ट्रियन। ठीक है, तो ये कॉर्निस।
फिर आता है कोर्टयार्ड, तो आप जानते हैं कोर्टयार्ड क्या होता है। अ कोर्ट और अ कोर्टयार्ड इज एन एनक्लोज एरिया, ऑफन अ स्पेस एनक्लोज बाई ए बिल्डिंग दैट इज ओपन फॉर द स्काई। कोई बिल्डिंग बनाई है और जो आपने बीच में खाली स्पेस छोड़ा है, और ये क्या है, ओपन टू स्काई है, मतलब यहाँ पर खड़े होकर आप चांद तारे देख सकते हैं, तो उसको बोला जाता है कोर्टयार्ड। ठीक है, तो अभी के लिए सेकंड वीडियो यहाँ पर खत्म करते हैं, कुछ देर बाद कुछ घंटे बाद आपको थर्ड वीडियो मिल जाएगी, तो उसके अंदर हम लोग और भी कंटिन्यू करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।